हेलो व्यूअर्स, आई होप आपके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल होगी। आज वाली वीडियो में हम आपको शिमला फरवरी और मार्च में कैसा लगता है ये दिखाएंगे, साथ ही फरवरी और मार्च में शिमला का वेदर कैसा रहता है और स्नोफॉल कब होती है ये बताएंगे। जनवरी के मंथ में स्नोफॉल की जो प्रेडिक्शंस हमने की थी लगभग सारी ही बिल्कुल सही थी, और उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत से लोगों ने लिखा भी था कि काश ये वीडियो हमें पहले मिल जाती। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। बात करें फरवरी की, तो फरवरी के स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में स्नोफॉल होता ही होता है, और लगभग 17 फरवरी तक स्नोफॉल होने के 90% चांसेस होते हैं। लगभग 20 फरवरी के बाद स्नोफॉल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए सिर्फ कभी कभार ही फरवरी एंड में स्नोफॉल देखने को मिलता है। फरवरी में मौसम लगभग साफ रहता है, मगर पुरानी स्नो बहुत सी जगह आपको देखने को मिल जाती है। शिमला में कुफरी एक ऐसा हिल स्टेशन है जहां स्नोफॉल सबसे पहले होती है और एंडिंग में भी सबसे लास्ट होती है। सो फरवरी एंड में स्नोफॉल आपको कुफरी में देखने को मिल जाती है। बात करें मार्च की, तो शिमला में 98% वेदर क्लियर रहता है और स्नोफॉल होने के चांसेस लगभग ना के बराबर होते हैं। वहीं यहाँ के हिल स्टेशन कुफरी में 20% चांसेस होते हैं स्नोफॉल होने के। हाँ, पुरानी स्नो कुफरी में मार्च एंड तक भी आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन कोई नया स्नोफॉल फरवरी के बाद आपको कम देखने को मिलता है। ये कुछ डेट्स हैं जिनमें शिमला में स्नोफॉल लगभग हर साल देखने को मिलता है। जनवरी फर्स्ट वीक, 13th, 14th, and 15th ऑफ जनवरी, 27th and 28th जनवरी एंड 4th to 7th फरवरी। इसके बाद स्नोफॉल के चांसेस कम हैं, सो कभी भी हो जाता है और कई बार होता भी नहीं। लेकिन शिमला एक ऐसा प्लेस है जो स्नोफॉल के बिना भी बेहद खूबसूरत लगता है, सो आप चाहें शिमला आ सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। शिमला से रिलेटेड हम आपको वर्चुअल टूर्स भी देते रहते हैं, सो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं जल्द किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और मुस्कुराते रहिए।